बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पास है डायनामिक्स। पिछले चैप्टर आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2, जो कि काइनेमैटिक्स था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायनामिक्स को स्टडी करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा काइनेमैटिक्स का रिव्यू दूँ, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, ये था कि काइनेमैटिक्स जो थी वो ब्रांच थी, ठीक है। किसकी ब्रांच थी, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम किसको डील करते थे, मोशन को डील किया हमने। लेकिन हमने मोशन को डील किया, लेकिन उसकी कॉजेज को डिस्कस उसमें नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायनामिक्स को स्टडी करना है। डायनामिक्स को स्टडी, इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, इसमें हम मोशन को डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट के मोशन को, लेकिन हम उसकी कॉजेज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये फ़र्क है काइनेमैटिक्स में और डायनामिक्स में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं यूनिट्स कहाँ से लिया गया है। ये वाला तो यूनिट लिया गया है फोर के साइंस से, फोर्स एंड मोशन, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज़ होगा, ये यूज़ होगा फर्स्ट ईयर में, मोशन एंड फोर्स, ठीक है, इस चैप्टर में ये यूज़ हो जाए। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि डायनामिक्स की डेफिनेशन, जैसे कि मैंने उसमें आपको बता दिया है। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, इसमें हम, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग के लिए भी, शॉर्ट के लिए भी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं, जैसे कि आप लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में बहुत सुनते होंगे, बहुत आपने सुना होगा कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, तो वो यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन आ जाते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसमें आ जाता है कुछ न्यू टर्म्स हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम डायनामिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अब डायनामिक्स की डेफिनेशन जो है, इसमें हम, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि डायनामिक्स में हम क्या करते हैं, डायनामिक्स जो है ये ब्रांच, यहाँ से आपने करना है कि डायनामिक्स जो है ये ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, ठीक है, क्योंकि मैकेनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो डायनामिक्स है, ये मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम मोशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन। यहाँ पे हम मोशन को डिस्कस करेंगे और उसके कॉज को डिस्कस करेंगे कि वो मोशन जो है वो क्यों जो है वो बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, क्यों उसकी मोशन हो रही है, तो वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स, और इसको हम क्या नाम देंगे, डायनामिक्स का नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, इसमें हमारे पास तीन टर्म्स हैं, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। अब हो सकता है इनर्शिया और मोमेंटम के बारे में आप पहले ना जानते हों, लेकिन फोर्स के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि फ़ोर्स क्या होती है। छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आ रहे हैं कि फ़ोर्स जो होती है वो पुश एंड पुल होती है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या फिर क्या करना, उसको पुल करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ़ोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे फ़ोर्स का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो, या आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फ़ोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जब आप उसके ऊपर फ़ोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे साइड पे कुछ डायग्राम्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें फर्स्ट वाले डायग्राम आप देख सकते हैं, ये बैट्समैन है। अब ये क्या करेगा, ये बॉल की डायरेक्शन को चेंज करेगा, ये इस बैट की मदद से बॉल के ऊपर क्या करेगा, फ़ोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से बॉल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम फोर्स लगा के किसी चीज़ की या ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं कि बॉय जो है वो क्या कर रहा है, बॉल को पुश कर रहा है। अब अगर ये बंदा ये कहता है कि अभी मैंने तो बॉल के ऊपर फोर्स लगाई और बॉल जो है उसने मूव नहीं किया, तो हम तो नहीं मानेंगे ना कि भाई इसने तो फोर्स ही नहीं लगाई, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने फोर्स लगाई वो चीज़ मूव ही ना करे। तो ऐसा है कि जो ज़रूरी नहीं है कि फ़ोर्स लगाने से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, मूव करे, ठीक है। अब ये देखो, ये तो झूठ नहीं है ना कि ये फ़ोर्स नहीं लगा रहा, ये बंदा तो फोर्स लगा रहा है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर या इस वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन बॉल जो है वो क्या कर रही है, मूव नहीं कर रही, ठीक है। उसके बाद जो है वो गोल कीपर आप देख सकते हैं, गोल कीपर क्या कर रहा है, ये भी बॉल को स्टॉप करने की कोशिश करता है, ठीक है, फोर्स लगा के। और इसका मतलब ये है कि फ़ोर्स लगा के हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, मूव भी करवा सकते हैं और उसको स्टॉप भी करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि आपकी गली में अगर कोई गोलगप्पे वाला आता है तो वो कार्ट होता है उसके पास, ठीक है, वो कार्ट को क्या करता है, मूव करवाता है, फोर्स लगा के उसको क्या करवा रहा होता है, मूव करवा रहा होता है। और जब कोई आगे टर्न आ जाता है तो वो क्या करता है, वो उसको फोर्स लगा के टर्न लेता है, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है। इसी तरह से जब उसने रोकना होता है कार्ट को, तब भी क्या करता है, वो फोर्स लगा के कार्ट को रोक लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने
फोर्स फोर्स की मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, एक तो हम ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं, ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसको हम रोक सकते हैं, ठीक है, दो हो गए। उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा भी अगर हम देखें कि फोर्स लगा के हम किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ या फिर शेप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास एप्पल है, वो आप उसको काटते हैं नाइफ़ की मदद से, तो वो क्या हो जाता है, एक तो उसका साइज़ भी चेंज हो जाएगा और दूसरा उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से सारे काम हम क्या कर सकते हैं, फोर्स की मदद से कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जो है वो डोर को ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे बैट्समैन की एग्जांपल दी हुई है, उसके बाद ये इसको आपको एक दफ़ा रीड कर लेंगे, ये वही एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब इसमें आपने करना क्या है, इसमें आप ये करेंगे, एक तो इसकी डेफिनेशन करेंगे फोर्स की, ठीक है। उसके बाद कोई सी दो एग्जांपल्स आप कर लेंगे जो आपको आसान लगती हो। तो अगर डेफिनेशन हम देखें तो डेफिनेशन क्या है, आ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव। फोर्स या तो क्या करती है, मूव करवाती है या करवाने की कोशिश करती है। स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप, या तो स्टॉप करेगी फोर्स या फिर स्टॉप करने की कोशिश करती है किसको, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ आर बॉडी। और फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करती है, या मोशन की डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती है। तो ये फोर्स क्या करती है, या तो ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है, मूव करवाने की कोशिश करती है, या स्टॉप करती है, स्टॉप करवाने की कोशिश करती है, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि जो फोर्स है ये मोशन की डायरेक्शन को भी क्या करती है, चेंज करती है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, दूसरी चीज़ एक ये बताई थी कि जब हम क्या करते हैं, एप्पल को कट करते हैं विद द नाइफ बाय पुशिंग इट शार्प एज इनटू द एप्पल, दस आ फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। इसका मतलब ये है कि फोर्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ और शेप को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास इनर्शिया है। अब हम ये देखते हैं कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, देखें इसकी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप एक बैग के अंदर बुक्स हैं, ठीक है, आप उस बैग को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो बैग क्या है, वो उस बैग के अंदर एबिलिटी है, उस बैग के अंदर फोर्स है, या उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो उसके खिलाफ क्या करेगा, ज़हमत करेगा। यानी अगर आप उसको ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं तो जो बैग की जो फोर्स है, बैग की जो अपनी फोर्स है, वो क्या करेगी, नीचे की तरफ करेगी, नीचे की तरफ मूव करेगी, या आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसके खिलाफ क्या करेगी, मज़ाहमत करेगी, ठीक है। तो वो जो फोर्स है, वो जो प्रॉपर्टी है जो आपके खिलाफ, आपकी फ़ोर्स के खिलाफ क्या करती है, मज़ाहमत करती है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। और जो इनर्शिया है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैस के ऊपर। अगर तो उस मैस, उस बैग का मैस ज़्यादा है तो आपको उठाने में ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि उसकी जो फोर्स है जो आपकी फ़ोर्स के अपोजिट है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर बुक्स कम है या उसका मैस कम है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको इजीली उठा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो उसका मैस कम है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो आपकी फ़ोर्स के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करने वाली फ़ोर्स है वो क्या है, कम है, ठीक है। या हम सिंपल लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इनर्शिया जो है वो क्या है, कम है। तो इनर्शिया क्या है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाते हो तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एबिलिटी होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, आपके फोर्स के ख़िलाफ़ क्या करती है, मज़ाहमत करती है, ठीक है। अगर आपकी फ़ोर्स ऊपर की तरफ लग रही है तो उसकी फ़ोर्स किस तरफ लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इनर्शिया है, ठीक है। तो ये सबसे पहले किसने ऑब्ज़र्व किया था, गैलीलियो ने ऑब्ज़र्व किया था। ये एमसीक्यूज भी आ जाता है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे कि दैट इट इज़ ईजी टू मूव और टू स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट देन हैवियर वंस। उसने क्या ऑब्ज़र्व किया, उसने कहा कि जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं या जिनका मैस होता है वो कम होता है, उनको मूव करवाना या फिर उनको स्टॉप करवाना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू हैवी जो होते हैं ऑब्जेक्ट, या भारी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी नस्बत। तो हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू मूव और ऑफ़ इफ़ मूविंग देन डिफ़िकल्ट टू स्टॉप। तो हैवियर ऑब्जेक्ट जो होते हैं, एक तो उनको मूव करवाना मुश्किल होता है, और अगर वो मूव करने लग जाते हैं तो उनको स्टॉप करवाना मुश्किल हो जाता है। न्यूटन कंक्लूडेड दैट एवरी बॉडी रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो न्यूटन ने यह बात नोट की, उसने ये नतीजा अखज़ किया या ये रिजल्ट निकाला कि हर बॉडी जो है
वो क्या करती है, वो अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ क्या करती है, मज़ाहमत करती है, ठीक है। जैसे कि अगर जो हम उसमें चेंज लाना चाहते हैं तो उसके ख़िलाफ़ क्या करेगी, मज़ाहमत करेगी। ही कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज इनर्शिया, और उसने इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया, इनर्शिया का नाम दिया। ही रिलेटेड द इनर्शिया ऑफ अ प्रॉपर बॉडी विद इट्स मैस, ग्रेटर इज़ द मैस ऑफ अ बॉडी, ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। तो ये MCQs भी आता है, और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इनर्शिया जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मैस के ऊपर, ठीक है। अगर एक बॉडी का मैस ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, अगर एक बॉडी का मैस कम होगा तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। अब ये इसकी डेफिनेशन है कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन और मोशन। तो इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने जो उसके अंदर चेंज लाया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ क्या करती है, मज़ाहमत करती है, बेशक वो स्टेट रेस्ट में हो या फिर किस में हो, मोशन में हो। अब यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट है, इसको आप घर में आराम से इजीली कर सकते हैं। ये है क्या, इसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो एक ग्लास लिया हुआ है, ठीक है। ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखा है और उसके ऊपर एक कॉइन रखा है। तो आप कॉइन कोई भी ले सकते हैं, 2 का या 5 का या 1 का, जो भी आपका दिल चाहे वो ले लें। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जिस तरह से ये कार्ड को मूव करवाए, इस तरह आप एक कार्ड को एक झटके के साथ क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे, ठीक है। जब आप इस तरह से एक झटके के साथ कार्ड को मूव करवाएंगे तो ये कार्ड जो होगा ये बाहर जाके गिर जाएगा, और जो कॉइन होगा वो कहाँ पर गिरेगा, इस ग्लास के अंदर। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो कार्ड था इसका मैस कम था, इसलिए इसका इनर्शिया भी कम था, और इसने आपकी फोर्स के जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई इसी डायरेक्शन में इसने मूव किया। जबकि जो कॉइन है इसका मैस इस कार्ड की नस्बत क्या है, ज़्यादा है, इसका इनर्शिया ज़्यादा है, इसलिए क्या किया, इसने आपकी फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं किया, बल्कि जो है वो इस ग्लास के अंदर गिर गया, ठीक है। सेम इस तरह से दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है, आप कुछ कॉइन्स ले लें, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रिप लें, इस तरह से पेज ले लें या कार्ड ले लें, उसकी एक स्ट्रिप ले लें, उसके ऊपर यहाँ पे आप इनको रख दें, ठीक है। इस तरह से रखे हुए हैं। उसके बाद आप एक झटके से जब इस पेज को या इस स्ट्रिप को आप खींचेंगे तो ये जो कॉइन्स हैं ये गिरेंगे नहीं, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पेज था या ये जो स्ट्रिप थी इसका जो मैस था वो कम था, इसलिए इसका इनर्शिया भी कम था, और इसने इजीली मूव किया आपकी डायरेक्शन में। और जो कॉइन्स हैं इनका मैस क्या है, ज़्यादा है इस स्ट्रिप की निस्बत, इसलिए इनका इनर्शिया भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट हैं जो कि आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास है, वो है मोमेंटम की। अब मोमेंटम क्या है, ठीक है। अब मोमेंटम को अगर हम देखते हैं, जैसे अगर हम देखते हैं कि एक गोली जो होती है, बुलेट जो होती है, बंदूक की या पिस्टल की जो गोली होती है, उसकी वो होती है वो छोटी सी है, ठीक है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तक कि वो एक बंदे को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देती है या उसकी जान ले लेती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा इसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं, उसका साइज़ छोटा है लेकिन फिर भी उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा है। और अगर हम इस तरह से एक ट्रक की बात करते हैं जो कि लोड हुआ हुआ है, ठीक है, ट्रक है, और अगर वो किसी बंदे से टकरा जाता है तो उसका इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, वो भी उसकी वजह से ही बंदे की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि अगर एक छोटा छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसका भी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, और एक बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसका भी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो इनको, इस चीज़ को समझने के लिए एक न्यू टर्म हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिसको नाम दिया गया किसका, मोमेंटम का, ठीक है। अब मोमेंटम क्या है, मोमेंटम है कि प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। मैस और वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसका हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। और मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, मैस को हम वी से और एम से, और वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट है किसका, मैस और वेलोसिटी का। अब किसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, देखें, जैसे मैंने बुलेट की बात की थी, बुलेट का मैस तो बहुत कम था लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से उसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। इस तरह से अगर ट्रक की बात करते हैं तो ट्रक की वेलोसिटी तो बहुत कम है लेकिन उसका मैस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम ज़्यादा है और जिसकी वजह से उसका भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मोमेंटम को अगर हम देखें तो ये जो जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसका मोमेंटम नहीं होता, या हम कहते हैं कि उसके अंदर जो मोमेंटम है वो ज़ीरो है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब वेलोसिटी ज़ीरो है और ज़ीरो को जब एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ ज़ीरो होती है तो मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो। अब मैस तो ज़ीरो हो नहीं सकता ना, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मैस तो होता है ना। तो वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होती है, कब होती है, जब बॉडी रेस्ट में होती है। इसका मतलब ये कि जब बॉडी रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो
तो मोमेंटम जो है ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एंड जो ऐसे यूनिट होते हैं वो केजी एमएस माइनस वन भी होते हैं, और इसके यूनिट जो होते हैं वो न्यूटन सेकंड भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो आप लोगों ने करना है, ये शॉर्ट शॉर्ट के लिए ही मैंने पढ़ाया है आपको, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। डेफिनेशंस हैं उसमें, डेफिनेशंस के लिए आ जाता है, तो ये मोमेंटम भी और इसकी यूनिट और इसकी नेचर क्या है, ठीक है। तो ये सारा आपने याद करना है। यहाँ पे मोमेंटम की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी चेंज है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो है वो किसी भी बॉडी की वो क्वांटिटी है जो कि मोशन की वजह से होती है। मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है तब होती है, और किसकी वजह से होती है, मास एंड वेलोसिटी की वजह से। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, आप दूसरी डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले बताई है आप वो भी कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।